Students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the third part of verb, जो हमारी form of verb चल रही थी student. तो उसका हम part third जो है वो इस video में पढ़ने वाले हैं. इससे पहले part two जो है वो हम already discuss कर चुके हैं. Part one और two में हमने same जो है form of verb देखे थे, जिनकी संख्या ज्यादा होती है student, और जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती. ठीक है, तो आज हम वर्ब की ऐसी फॉर्म पढ़ेंगे जो जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक समान नहीं होती, एक जैसी नहीं होती. ठीक है, साथ ही जो थर्ड फॉर्म में कोई भी धातु के साथ ई एन या फिर एन जो है जुड़ता है, जैसे मान लो अराइज है, देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो अराइज है. ठीक है, अराइज, अराइज से क्या बन जाता है, एरोज. ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म जो बन जाती है वो बन जाती है आपकी एराइजन. तो देखो ये पीछे ई एन लग गया. सेम ऐसे ही जैसे आपकी हो गई बीट. ठीक है, तो बीट बीटन हो जाता है ना, ब्रोक ब्रोकन. ठीक है, तो बीटन हो जाता है. तो ये पीछे ई एन जो लगता है वो पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, हमने पहले जो पढ़ा था पार्ट वन और टू, उसमें हमने ये देखा था कि सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम रहती है, जैसे विन वॉन वॉन. ठीक है, लेकिन इस वीडियो में ऐसा पढ़ेंगे जिसमें थर्ड और सेकंड फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर. सबसे पहली फॉर्म जो उठाते हैं यहाँ पर अराइज ही उठा लेते हैं, ए आर आई एस ई, अराइज. अराइज का मतलब होता है उठना. ठीक है, अराइज का मतलब उठना होता है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट एरोज, और थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट अराइजन. ठीक है, तो ये तीन फॉर्म हो गई इसके. तो ये हो गया फर्स्ट. अब देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों अलग अलग है ना, सेम तो नहीं है ना, अलग अलग है. सेम एज इट इज. अगली चलते हैं स्टूडेंट बीट. बीट होता है किसी को मारना, पीटना. ठीक है, तो बीट होता है, बीट की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी, बीट, और थर्ड फॉर्म होती है बीटन. तो ये पीछे ई एन लग गया. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी धातु के साथ ई एन या फिर एन जुड़ता ही जुड़ता है. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ब्रेक. ठीक है, ब्रेक, ब्रेक का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, आप सबको पता है ब्रेक का मतलब क्या होता होगा. ठीक है, यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक. ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना. सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक. यू ब्रोक इट, तुमने इसको तोड़ा था. ब्रोकन, तुम इसे तोड़ चुके हो. यू हैड ब्रोकन इट. इनके यूजेस तो स्टूडेंट हम स्पीकिंग क्लास जब हमने की थी, फ्री स्पीकिंग क्लासेस, जो जिसने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके फ्री स्पीकिंग क्लासेस जरूर देखना. ठीक है, और उनको देखने से आपको जो है वहां पे टेंस मिलेंगे, आपको काफी सारी चीजें जो है वो मिलेंगी जिससे आप स्पीक कर सकते हो. ब्रेक हो गया. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट बाइट. बी आई टी ई, बाइट. बाइट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, काटना. ठीक है, बाइट, बिट, बिटन. ठीक है, बाइट, बिट, बिटन. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका बियर. बियर, सॉरी बियर नहीं, पहले बियर है, बियर. ठीक है, एक बियर होता है सहना, एक होता है बियर, जन्म देना. तो ये जन्म देना है, ये भी सेम है, ये बियर. बियर का मतलब होता है सहना, किसी चीज को सहना. अब देखो इन दोनों में कैसे अंतर पता लगेगा. जो इसकी सेकंड फॉर्म है ना बियर, जो बियर जन्म देना वाली है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर, बी ओ आर ई, और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है बोर्न. ठीक है, और जो ये बियर सहना है, इसकी सेकंड फॉर्म तो होती है बोर, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है बोन. ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है थोड़ा बहुत. ठीक है, तो उसके बाद आती है स्टूडेंट अगली बियर के बाद आपकी आती है बी. ठीक है, बी, बी होता है इज एम आर, कुछ भी यूज करते हैं, तो इसका होता है बी वाज बीन. ठीक है, नो अपने बी वाज बीन. ठीक है, अगर इज एम आर आ जाता है तो वर्ब बीन आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट चूज. चूज का मतलब होता है स्टूडेंट चुनना. ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आएगी चूज, थर्ड फॉर्म आएगी चूजन. ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट ड्राइव. ड्राइव, ड्राइव होता है स्टूडेंट हाँकना या गाड़ी चलाना. सेकंड फॉर्म आती है इसकी ड्रो, और थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट इसमें ड्रोन. ठीक है, अब सेकंड, उसके बाद आता है स्टूडेंट फॉरगेट. फॉरगेट, ठीक है, फॉरगेट होता है भूलना. सेकंड फॉर्म आती है इसकी फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म होते हैं फॉरगॉटन. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब करी है, आगे थोड़े से और कर लेते हैं इसमें. ठीक है स्टूडेंट, काफी कम होते हैं ये. उसके बाद आते हैं स्टूडेंट फॉल, एफ ए डबल एल,
फॉल होता है गिरना, ठीक है, फॉल गिरना। सेकंड फॉर्म आती है इसकी फेल, डबल एल होता है फेल, ठीक है। और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। सेम एज इट इज फ्रेंड, आपका नेक्स्ट आता है फ्रिज। फ्रिज होता है जम जाना। सेकंड फॉर्म आती है फ्रोज, थर्ड फॉर्म आती है फ्रोजन, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। सेकंड फॉर्म आती है इसकी फ्लू, थर्ड फॉर्म आती है इसकी स्टूडेंट फ्लोन, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट गिव। गिव का मतलब होता है देना। सेकंड फॉर्म आती है गिव, थर्ड फॉर्म आती है गिवन, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आता है ग्रो। ग्रो होता है उगना। सेकंड फॉर्म आती है आपका ग्रीव, थर्ड फॉर्म आती है स्टूडेंट ग्रोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपना, ठीक है। हाइड का मतलब क्या होता है? छिपना। सेकंड फॉर्म आती है इसकी हिड, थर्ड फॉर्म आती है हिडन, ठीक है। हिडन थर्ड फॉर्म क्या आ गई आपकी? हिडन। तो स्टूडेंट इनको साथ साथ जो है वो आप लिखते रहना, ठीक है, वरना दिक्कत आती है आपकी। नेक्स्ट आती है नो। नो होता है जानना। सेकंड फॉर्म आती है इसकी न्यू, ठीक है। थर्ड फॉर्म आती है नोन। उसके बाद आता है स्टूडेंट लाए। लाए होता है लेटना, ठीक है। लाए मतलब लेटना। सेकंड फॉर्म आती है ले, थर्ड फॉर्म आती है लेन, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट राइड। राइड का मतलब होता है सवारी करना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी रोड, थर्ड फॉर्म आती है राइडन, ठीक है। राइड रोड रिटर्न हो गया। उसके बाद आता है स्टूडेंट राइज, ठीक है। राइज में आता है रोज और रीजन, ठीक है। और उसके बाद आता है स्टूडेंट सी। सी होता है किसी को देखना। सेकंड फॉर्म होती है सा, थर्ड फॉर्म होती है सी। सी सा सी। तो स्टूडेंट ये जो मैंने अभी ये करवाए हैं पार्ट थर्ड में, इनको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद पांच छह थोड़े और रह रहे हैं, वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में ही करवा देती हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट जो हमारे दो चार रह गए हैं, उनको भी हम इसी वीडियो में जो है वो कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है स्टूडेंट आपका शेक, ठीक है। शेक आप सबको पता, शेक क्या होता है? हिलाना, ठीक है, किसी चीज को हिलाना। सेकंड फॉर्म होती है शूक, थर्ड फॉर्म होती है शेकन। नेक्स्ट आता है स्टील। स्टील स्टील मतलब होता है चोरी करना। सेकंड फॉर्म होती है स्टॉल, थर्ड फॉर्म होती है स्टॉलन। नेक्स्ट आता है आपका स्पीक। स्पीक मतलब बोलना। सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। नेक्स्ट आता है स्वीयर। स्वीयर होता है कसम खाना, शपथ लेना। नेक्स्ट सेकंड फॉर्म होती है इसकी स्वर, थर्ड फॉर्म होती है स्वर। नेक्स्ट आता है टीयर। टीयर होता है फाड़ना। आंसू भी होते हैं लेकिन वो दूसरे टीयर होते हैं, ये है फाड़ना। टोर टोर। नेक्स्ट आता है टेक। टेक होता है लेना, ठीक है, किसी चीज को लेना। आई विल टेक टेस्ट, इस तरह से टुक मतलब लिया था, टेकन, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? टेक टुक टेकन। नेक्स्ट आता है थ्रो। थ्रो क्या होता है स्टूडेंट? थ्रो होता है फेंकना। थ्रो थ्रू थ्रोन। नेक्स्ट आता है वेक। वेक क्या होता है स्टूडेंट? वेक आपने सुना होगा जागना, ठीक है, वेक अप सुना होगा आपने, वेक वॉक वोकन। नेक्स्ट आता है वियर। वियर का मतलब होता है पहनना। सेकंड फॉर्म होती है वोर, थर्ड होती है वोन। नेक्स्ट आता है वीव। वीव होता है बुनना, ठीक है, वोव वोवन। नेक्स्ट आता है राइट। राइट मतलब लिखना। रोट रिटन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने जो है आज अपनी जो है सेकंड थर्ड पार्ट जो है वर्क का वो कंप्लीट कर लिया, जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो चेंज होती है। अगले पार्ट में स्टूडेंट हम दो अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारी ये वर्क खत्म हो जाएंगी तो आगे अगला टॉपिक करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।